Friends, today we will discuss about the character of Okonkwo from the Things Fall Apart, written by H.U.B. Basically, Okonkwo is a tragic figure in the novel, and in the Things Fall Apart, H.U.B. opens the cachement of Eumorphia and revealing to us the compelling tragedy of Okonkwo, who, like all the heroes, embodies which depended on the self-respect and honor. So Achibi basically gives a rich picture of individual character, and he is also exploring the texture of human life in the past. And as like when we say that, agar hum kahan kehna chahein ke Okonkwo jo hai wo basically jo hai wo ek tragic hero kehlata hai, aur uske andar wo sari khasiyatein maujood hain jo ek jo hai jo ek tragic hero ke andar honi chahiye, classical ke andar, classical sense ke andar. और इसका जो ट्रेजिक फ्ला है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है. और अगर हम इसको इस तरह बयान करें कि जैसे एक क्रिटिक ने कहा है कि Okonkwo इज़ ए मॉडर्न हैमलेट, ओथेलो इन मॉडर्न क्लोथ्स, ट्रेजिक फिगर एज ईडिपस, डॉक्टर फास्टस एंड मैकबेथ. सो इट इज़ ए वेरी फेमस लाइन अबाउट द Okonkwo करेक्टर्स. So as like when the novel starts, he is known the figure fully introduced in Negria, and he is a very wisdomatic type of person, but in his responsibility, in his personality, there is a tragic flaw, and at the end this tragic flaw bring him to the downfall. जैसे कि एक tragedy और tragic hero के साथ होता है tragedy में, और उसके अंदर tragedy के अंदर जो है pity and fear महसूस करवाया जाता है, और इसके अंदर भी same to same जो है वो ऐसा ही है. और end पे जो है ये अपने ही जो है वो flaw के ज़रिए जो है वो क्या करता है जी, इसका downfall हो जाता है और आखिर में suicide कर लेता है. जैसे कि Hamlet के अंदर, Othello के अंदर, और जो है Oedipus के अंदर जो है वो हुआ है. तो अगर देखा जाए तो Okonkwo को जब लाइन स्टार्ट होती है तो वो जी पहले से जो है वो एक फिगरेटिव हीरो की तरह जो है वो सामने आता है. जैसे जो है वो 9 villagers में से जो है वो सबसे आगे होता है, और उसकी ताकत जो है बहुत ज़्यादा है. 9 villagers वाले जो जितने भी लोग थे, जो पहलवान थे, तो वो उसको अखाड़े में जो है उसको हरा नहीं सके. और यानी कि पहले जो है अगर देखा जाए तो उसका ट्रेजिक फिगर जो है वो सामने आ जाता है. और उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है ये एक ब्रेव पर्सन है, लाइक Oedipus जो है, करेज इसके अंदर है, ठीक है, नोबिलिटी एंड करेज जो है Oedipus की तरह है, और ब्रेव भी है, ठीक है. इसके ऊपर जो है लोग बड़ा एतमाद करते हैं, और जो करेक्टर है इस करेक्टर के अंदर जो है एक नोबिलिटी भी मौजूद है, जैसे कि Oedipus या दूसरे करेक्टर्स के अंदर होती है. और जो दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेजिक फ्लॉ भी उसी तरह आता है, और ट्रेजिक फ्लॉ स्पैम जो है जो कि अनबिलीवेबल है, बिलीवेबल है, और वो भी है. लेकिन इसके अंदर जो है द रियल ह्यूमन बीइंग विद द डाउट्स एंड फियर्स, वो इसके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है. उसके बाद देखा जाए तो Okonkwo लव्स एक्शन एंड स्क्रॉन्स एक्टिविटी, लाइक Oedipus एंड डॉक्टर फास्टस एंड मैकबेथ, जस्ट फॉर द पावर. यानी कि वो कुछ भी जो है वो कर गुज़रते थे सिर्फ जो है वो पावर के लिए, सिर्फ जो है मैकबेथ जैसे जो है. तो अगर देखा जाए तो इसके जो काम है, ये जो अपने आप को इसने तबाह किया है, जितने भी करेक्टर्स ने, वो इनके अपने अंदर जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ था, और उसी वजह से जो है ये स्टम्बर्न हुए हैं, उसी वजह से जो है वो हुए हैं. जैसे जो है कैचिंग अप द सैटर्न, एंड ही आल्सो कैचिंग अप द सैटर्न,
and he like Kurds is a symbol of man, yani ke Kurds bhi jo hai wo jo ke heart of darkness ke andar tha wo bhi jo hai symbol of Saturn tha, aur ye takriban jitne bhi character the wo symbol of Saturn hi hain. Oedipus Rex ho gaya aur jo hai ye Kurds ho gaya, theek hai, Dr. Faustus, theek hai, Okonkwo ho gaya. So those are the symbols of Saturns and their powers controlled by the Saturns, and they want to lust for power in their own responsibilities. And basically his responsibility, his personality possess vitality and physical wilderness in his personality. और बहुत ज़्यादा मतलब चलाक इंसान था, बहुत ज़्यादा शातर था. एक लाइन्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है, व्हेन ही वॉक्स, जब वो चलता है, हिज हील्स हार्डली टच द ग्राउंड, कि उसकी जो है जो पिछली हील है वो बड़ी मुश्किल से ही जो है वो ज़मीन पे टच है, मतलब पंजों पे चलता है वो. जिस तरह वो नहीं बंदा जो है वो स्पीड से जाता है तो वह पंजों पर जाता है, उसकी एड़ी जो है वो नीचे नहीं लगती, ठीक है. तो हर तरफ जो है हर काम इसका जो है बड़ा जल्दी आया होता था, तो इसी वजह से जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ होता है इसके अंदर, हर काम जो है जल्दी करता. उसके बाद इसका जो है Okonkwo का बेटा होता है, ठीक है, जो कि जो बेसिकली जो है Okonkwo भी ख़ुद जो है वो एक लेज़ी जो है बाप का बेटा है Yunoka का, ठीक है. और Yunoka जो है एक ऐसी शख्सियत है जो कि मतलब जो है रिजेक्टेड है, उसके ऊपर जो है किसी भी किस्म का बिलीव नहीं है लोगों को, और एक आइडियल किस्म का पर्सन है, एक जेंटलमैन था लेकिन जो है वो बांसुरी बजाता रहता है, और वो वुमेनिश टाइप का बंदा है, ठीक है. सेक्सुअलिटी उसके अंदर मौजूद है, क्रुएल्टी भी उसके अंदर मौजूद है, और बिल्कुल बेकार सा करैक्टर है. लोगों से पैसे लेता है और जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो लोगों को गोलियां देता है. और जो है जो हम नावल के दरमियान में पढ़ते हैं एक जगह कि कुछ बंदे जो है उसके पास पैसे लेने आते हैं और वो जो है अपना सारा जो है जो प्रोग्राम है कि हाँ भाई इस तरह से पैसे आएंगे, इस तरह आएंगे. अच्छा, तो एक जो है दीवार पे उसने ना सारे लोगों का जो है ना वो कर्ज़ लिखा हुआ है कि हाँ भाई इसके इतने पैसे देने, इसके इतने पैसे देने, इसके इतने पैसे देने. तो वो जो है हर बंदा आता है तो उसको जो है ना वो अपनी तरफ से कोई ना कोई गोली दे देता है. जैसे वो एक पुराने ज़माने में मतलब एक कहावत है कि एक जो है ना बंदा वो बड़े कर्ज़े लेता था एक इंसान जो है लोगों से. तो एक बंदा आया, उसने कहा भाई आज तो जो है ना मैं जो मेरा मेरे पैसे लिए हैं ना इसने तो वो मैं ले के ही जाऊँगा. अब जी वो बंदे के पास पहुँचा, उसने कहा वहाँ भी पैसे निकाल. उसने कहा देखो मेरे पास एक बहुत बड़ा वेल्ड प्रूफ जो है वो प्लान है. अब जो कर्ज़ा लेने आया था उसने कहा शायद कोई प्लान किया हो. तो उसने कहा भाई ये देखो मैंने जो है ना सारे लोगों के जो है ना जितने जितने कर्ज़ है वो मैंने अपने पास लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह जैसे ये कारोबार शुरू होता है तो मैं जो है ना वो सब लोगों का कर्ज़ उतार दूंगा. अब जी उससे प्लान सुना, और वो प्लान क्या था जी, वो कहता है जी मैं ना यहाँ पे ये दरख्त लगाऊंगा, ठीक है, एक रास्ते के किनारे जो कि जो रास्ता जो है ना रुई के खेत की तरफ, कॉटन के खेत की तरफ, जो कपास के खेत की तरफ जाता है, और मैं कांटेदार दरख्त लगाने वाला हूँ इसके किनारे पर, सड़क के किनारे पर. और जब वो दरख्त बड़े होंगे तो जो है उसके नीचे से जब जो है वो गाड़ियाँ गुजरेंगी रुई लेके, तो इसके जो है ना कांटों में जो रुई फंस के जो है ना कुछ इधर ही रहेगी, और फिर मैं इकट्ठी करके बेच दूँगा, और फिर जो है ना वो मैं जो है वो सबके कर्ज़े वापस कर दूँगा. तो जो कर्ज़ लेने आया होता है ना बंदा वो हंसने लग जाता है. तो जब वो हंसता है तो दूसरा बंदा हाँ, वो कहते हैं हाँ हूँ तो हंसियाँ निकलेंगे पैसे जो नज़र आ रहे हैं. तो मतलब जो है ये इस किस्म का जो है वो गोलीबाज है. उसने भी कहा हाँ भाई हाँ हूँ तो वो मतलब तंजिया हंसता है, लेकिन ये कहता है वो कहता नहीं हाँ वेख्या ना हूँ तो हंसियाँ निकलनगियाँ पैसे जो नज़र आ रहे हैं. सो दोज आर द दिस टाइप ऑफ करेक्टर. एंड nobody believe on his father, and Yunoka is ideal and crowdy and gentle, interested in music and nothing more in the society. As like he, Yunoka was lazy and improvement and incapable of thinking. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो Okonkwo जो है consciously जो है वो
एक पॉजिटिव आइडियलिटी है, वेल्थी है, ब्रेव है, वॉयलेंट है और एमेंडेटेड है, म्यूज़िक है जो है पसंद करता है वो भी, और सॉर्ट ऑफ फेमिनिश है, ठीक है, वो भी मतलब जो है अपने बाप को समझता है कि नहीं भाई इसके अंदर जो ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ओकोनको की तरफ देखा जाए तो ओकोनको वाज़ अ वेल नाउन थ्रू आउट द 9 विलेजर्स, यानी कि ये भी बड़ी ज़बरदस्त एक बात है कि ओकोनको क्या है जी, ये नोट कर लें, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और ओकोनको ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है वो नावल की है, जो प्रिडिक्शन की, जो डिपिक्शन की जो फर्स्ट लाइन है डिक्शन की, वो ये है, ओकोनको वाज वेल नाउन थ्रू द 9 विलेजर्स, ओकोनको जो है वो बड़ा मशहूर है 9 विलेजर्स में से, एंड एवर बियॉन्ड हिज फेम रेस्टेड ऑन सॉलिड पर्सनल अचीवमेंट्स। सो ओकोनको बेसिकली ओकोनको's अचीवमेंट्स ऑल द फेम रिस्पेक्ट सोशल एंड फाइनेंशियल सक्सेस बाय एम्बेरसिंग दीज आइडियल्स, एंड ही मैरीज 3 वुमेंस एंड देर इज सेवरल चिल्ड्रंस फ्राम दोज वामेन, उसने 3 शादियाँ भी की होती हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं उनसे। अब अगर देखा जाए तो ओकोनको जो है वो कॉन्सेप्ट है उसका छी जो है CHI गॉड के ऊपर, और जो है गॉड नावल के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इसका ओकोनको के ट्रेजिक हीरो के अंदर, के वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो छी होती है वो बेसिकली इंसान के ऊपर अपने मबनी होती है कि अगर इंसान कहता है तो यस, और अगर जो है फिर वो भी उसकी गॉड भी जो उसका गॉड भी जो है वो छी जो गॉड होती है तो वो भी कहता है यस, अगर इंसान कहता है नो तो ये भी जो है वो कहता है, तो इसका फैट जो है तकरीबन यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसकी बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, ए मैन कुड नॉट राइज बियॉन्ड द डेस्टिनी ऑफ द हिज छी, ठीक है, एज लाइक व्हेन ए मैन सेज यस हिज छी सेज यस आल्सो। सो ये इंसान के ऊपर अपने ऊपर मबनी है एक। उसके बाद अगर देखा जाए तो छी अकॉर्डिंग टू द छी जो है ओकोनको जो है वो लेस रिस्पॉन्सिबल है, और इसी वजह से जो है वो अपने जो है ट्रेजिक डेथ का सबब बनती है। उसके बाद ओकोनको का जो नेक नेम होता है वहाँ पर वो रोरिंग फ्लेम होता है, रोरिंग फ्लेम मतलब धाड़ती हुई आग, और इसका जो टेंपर है वो भी बहुत ज़्यादा है, एकदम से टेंपर हाई हो जाता है, और जिस तरह ऐसे लगता है कि जो है उस तूफ़ान आने वाला है, और रैशनेस है, और यही चीज़ जो है इसके जो करैक्टर के अंदर जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ लेके आती है। जैसे जो है इसकी अगर देखा जाए तो ये अपनी बीवियों को भी बहुत ज़्यादा मारता है, और वो मतलब बीवियों को इसी वजह से मारता है डिग्रेशंस के लिए, दिखाने के लिए कि ये जो है एक इगोइस्टिक है और मतलब तगड़ा है, और जो है इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखा जाए तो ही हैड नो पेशेंस विद अनसक्सेसफुल मैन एंड इनवर्डली ही वाज रिपेंट बट ही वाज नॉट द मैन टू गो अबाउट टेलिंग हिज नेबर दैट ही वाज इन एरर एंड ही इज़ अ जस्टिफाई हिज ओन एरर एंड he brings his tragic flaw by his own wealth and by his own prosperity. So agar dekha jaye to iska jo pride hai, theek hai, wo pride ki wajah se jo hai na wo apne jo hai wo mistakes ko jo hai wo conclude nahi kar pa raha. Hamesha jo hai jis insaan ke andar pride hota hai na ya jo hai takabbur hota hai तो वो जो है अपने आप की गलती जो है वह नहीं मतलब करता होता, और इसी तरह जो है जैसे जो है मतलब जो है जब वहाँ पे इम्पीरियलिज्म आई तो वो भी जो है वो उसी तरह हुआ, और इसके अंदर मतलब कम्प्लेक्स भी है, इसके अंदर जो है एक ईडिपस कम्प्लेक्स भी पाया जाता है जो कि इसकी इसके जो है बेटे का और उसकी जो है माँ का ताल्लुक है उसके साथ, और अर्नेस या दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स वो तो डॉटर एंड फादर के दरमियान होता है, लेकिन जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ईडिपस कॉम्प्लेक्स है जो कि मदर और जो है एंजाइम जो एमोफिया है, ठीक है, उसके बेटे के दरमियान है। तो थ्रू आउट जो है अगर इसकी जो ज़िंदगी है जो वो एक फियरफुल मैन है, ठीक है, ये मतलब जो है किसी से भी नहीं डरता, इवन के जो है स्वयं
अपने जो यूनोका जो कि इसका बाप है उसकी कुछ गलतियां हैं उसकी वजह से जो है, और वहीं से जो है ये मोटिवेट हुआ है, और इसका दिस फियर लेड हेम टू किल योमफिया। तो यही चीज़ जो है ना वो एक जो एक योमोफोना की जो डेथ का सबब बनती है इसके ज़रिए। तो ये एक प्राइड था उसके अंदर, और इसके वाकई जो है करेक्टर्स नेम बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। कम से कम आप इसको जो है 2 से 4 दफ़ा जो है या 5 दफ़ा इसको एक करेक्टर को दोहराएंगे तो तब जाके आपको जो है उसके बाद कहीं जा के समझ आएगी। मुझे खुद तकरीबन अभी इसी तरह ही हुए, हालांकि मैं 2-3 साल पढ़ा भी चुका हूँ। तो हमेशा जो है बीइंग एक ह्यूमन बीइंग जो है इंसान के साथ ऐसा हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ओकोनको कमिटेड हिज एक्ट ऑफ किलिंग बिकॉज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉल्ड वीक एंड फेमिनिन, एंड ओकोनको एसोसिएट मस्कुलिनिटी एंड एग्रेशंस दैट फील द एंगर, एंड ही आल्सो इज़ लाइक डिग्रेसिव पर्सन, एंड ही ऑफन बीट्स हिज 5 सन्स। यानी कि वो अपने जो है वो अपने जो है वो बहादुरी दिखाने के लिए अपने बेटों को भी मार देता था, मतलब जो उसको भी उनके भी फेंटे लगा देता था और उनको वार्न करता था कि को कैसे जी व्हेन आई एम डाइड आई विल विजिट यू एंड ब्रेक योर नेक। तो ओकोनकोस जो सन के जो न्योव्स था उसके बाद जो है मतलब जो एक वोमिनिश टाइप का जो है वो करेक्टर था, जैसे जो है उसका ग्रैंड फादर था ओकोनको, और ये मतलब जो है ओकोनको वो चाहता था कि जो मेरे बेटे के अंदर वो ये वोमिनिश टाइप की जो हरकतें पैदा हो रही हैं उसको जो है वो तब्दील करें वो मेन जो है उसके अंदर। उसके बाद एक और जो मतलब जो है जो कि एंड पे क्रिश्चियन मशीनरी आती है, तो तब भी जो है ये आकर देखता है काफ़ी अरसे के बाद जब गांव में आता है तो इसकी जो बीवियां होती हैं और जो बेटा होता है तो वो क्रिश्चियन जो है वो उनके अंदर इंपीरियलिज्म के अंदर चले जाते हैं, उनका जो है वो मान लेते हैं। तो बेसिकली इग्बो विलेज जो है ना वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो गया होता है वो क्रिश्चियन जो है फेमिनिटी के अंदर और क्रिश्चियन जो है उनके अंदर। तो अगर देखा जाए तो एट द एंड जो है वो अर्थ की गॉडीज़ को जो है जो कि एनी नाम था उसको नहीं मानता, और इसी वजह से जो है वो क्या करते हैं सुसाइड कर लेते हैं, और सुसाइड जो है बेसिकली जो है वो अगेंस्ट ऑफ एनी है क्योंकि जो है वो अर्थ की देवी है और उसके अगेंस्ट जो है वो करता है। तो अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली और रिलीजियसली जो है ना वो एक वेरी विजडमेटिक टाइप का करेक्टर है और एक वेरी मोनोमेंटल टाइप का करेक्टर है। एज़ लाइक जैसे जो है मतलब वो कम बैक आता है तो वो देखता है कि भाई ब्रिटिश जो है ना वो इम्पीरियलिज़म ने अपने जो है वो इग्बो फैमिली या इग्बो विलेज को ऊपर कर लिया, तो वो वहाँ पर जो है उनको मारने की कोशिश करता है, लोगों को चेंज करने की कोशिश, और लोगों को कहता है कि भाई ये जो है ना अपना जो मदरहुड रिलीजन या एंसेस्टर रिलीजन उसको ना छोड़ो। तो एक इसके अंदर रिलीजियस भी है, रिलीजियस जो है नेचर भी पाई जाती है इसके अंदर, और लेकिन जब वो नहीं होता तो फिर जो है सारी चीज़ें उसके एम्पीरियलिस्ट में चली जाती हैं, सारी चीज़ें जो है वो जहाँ जब हार जाता है तो वो क्या करता है जी फिर एंड में जो है क्या करता है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और सुसाइड जो है वो कर लेता है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे जो है चर्च बन रहे होते हैं, ठीक है, लोग हैप्पी हो रहे होते हैं, ठीक है, ह्यूमिलेशन और फ्री हो रहे होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे जो है वो ये देखता है और मतलब उसको भी एक अजीब सा एहसास होता है और उसको लगता है कि नहीं भाई अब जो है वो वार शुरू हो जाएगी और जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अंग्रेज़ आ गए, इंपीरियलिज्म आ गई है। तो जिस तरह बाकी ममालिक में होता था इंपीरियलिज्म जाती थी तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। उसके बाद देखा जाए कॉन्कोज की अगर ट्रेजिडी में तो ये एक डिवेलपमेंट एंड लॉजिस्टिक जो है वो स्टोरी है, ट्रेजेडी है, एंड ही चूजेज द कमिट सुसाइड एंड द मोस्ट शेमफुल वे टू डाई एंड अगेंस्ट द गॉडी ऑफ एनी, एंड एज लाइक डॉक्टर कमिशनिज्म सेज दैट दैट मैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन।
ان یوموفیا، کہ ایک یہ ایک جو ہے ایک ایسا بندہ تھا جو کہ یوموفیا میں سے جو ہے سب سے اعلیٰ کردار کا عمل تھا، یو ڈراو ہیم ٹو کل ہم سیلف، جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اینڈ ناؤ ہی ول ہی بورڈ لائک اے ڈاگ، اور اب وہ جو ہے وہ کتے کی موت مرا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ کتے کی موت مر گیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے، کنکلوڈ کیا جائے، تو اوکونکو بیسیکلی ہی واز اے اسٹرانگ بریو اینڈ ہارڈ ورکنگ پرسن اینڈ انرجیٹک فگر، اینڈ ہی واز اے لو ایکشن ان ہز پرسنالٹی، اینڈ ہی از اے انفلیکسیبل اینڈ شو مور کائنڈ اینڈ ود دا نیچر، اینڈ ویری ریلیجیس پرسن، اینڈ ہی ایز لائک اوکونکو وی آر ریڈی ٹو فار گیو ہز فالٹس ٹو دا نارمس اوور دا ایبلٹی آف this tragedy and basically his fault or the faults of his virtues and a loyal and unquestioning obedience to the old and traditional ways of Igbo society. So basically جو ہے وہ اس کا ٹریجک فلا ہی جو ہے اس کے اپنی وجہ سے شروع ہو گیا، جو کہ ٹریجڈی کے اندر جو ہے ایک کلاسیکل ٹریجڈی کی جو ڈیفینیشن جو ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔